अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी, तो आज हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर मेला लगा था वहाँ पर, और जैसा आप देख सकती हैं कि हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे हैं इस व्हील पे बैठने के लिए। मैं तो खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब मैं इस पर बैठूँगी, क्योंकि बहुत रश थी और मेरी सिस्टर को बहुत डर लगता है। वो तो खैर बैठी ही नहीं है इस पर, इसलिए वो बस वो कहते कि मैं वीडियोज़ बना लूँगी, तुम बैठ जाना। तो बस मीरब भी बहुत एक्साइटेड थी, वो भी बैठना चाह रही थी यहाँ पर। तो मीरब को हमने फिर दूसरे उसका जो मुताबिक जो उसका खेल है उस पर हमने उसको झूले पे बिठवा दिया, और ये देखें मज़े से बैठी हुई है। पहले डर रही थी बट फिर बैठ गई, बहुत उसे उसने एंजॉय किया था। और फिर मेरा टाइम मेरी बारी आ गई और फिर मैं भी बैठ गई थी वहीं पे। काफ़ी देर के बाद जाकर भी स्टार्ट हुई थी, इतना टाइम हो गया। दिन को मैं बैठी और शाम को जाकर स्टार्ट हुई, तो बहुत टाइम वेट करने के बाद आखिरकार भी स्टार्ट हो गई थी। बट ये ना इंजॉयमेंट का वक्त होता है, काफ़ी मज़ा भी आता। तो फाइनली भी स्टार्ट हो गई थी, और मुझे तो कुछ का ठिकाना नहीं था क्योंकि इतने टाइम वेट करना पड़ा, 15 to 20 मिनट्स वेट करना पड़ा क्योंकि रश बहुत थी और भी ज़्यादा हो गया। तो उसके बाद फिर हमने कुछ खाने पीने का किया और फिर मतलब उसके बाद जो है मैंने कहा कि चलो व्हील तो स्टार्ट हो गई है तो घर उस पर बैठ जाते हैं। और आफ्टर व्हील के फिर मैं मीरब के साथ ही चूल्हे पे बैठी, क्योंकि मीरब को भी वैसा व्हील वाला फ्लेवर चाहिए था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है मैं मीरब के साथ बैठ जाती हूँ। भी इंजॉय कर रही है मेरे साथ, बच्चों का ही फन होता है। और ये टाइम जो होता है ये मेमोरीज होती है जो हमारे बीच में हमेशा रहते हैं। और हाँ जी, तो फिर आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी इन्जॉय किया है, और ये थोड़ा शॉर्ट सा वीलॉग ही है। नेक्स्ट आगे जो है मैं डेली वीलॉग डालूँगी, काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीलॉग डाला। तो मीरब को इन्जॉय करवाने के बाद कुछ खाने पीने के बाद, जैसे आप देख सकते हैं कि हम दिन को आए थे, रात हो गई है, तो काफ़ी इन्जॉय करने के बाद रात को मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी मज़ा आया। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। वीलॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।